हेलो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर राइज़ ऑफ लिक्विड इन साइड ए कैपिलरी ट्यूब तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज़ हुआ है तो ये जितना लिक्विड राइज़ हुआ है दैट इज़ अप टू द हाइट एच तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो ये जितने हाइट से लिक्विड राइज हुआ है उसके लिए अगर हमें तो एक्सप्रेशन निकालना है तो उसके लिए दो मेथड से उसका हम अभी पहला मेथड देख रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे वी विल कंसिडर ए कैपिलरी ट्यूब विच इज डिप्ट इन साइड ए लिक्विड अब यहाँ पे लिक्विड कौन सा ले रहे हैं हम केरोसिन और वाटर ले रहे हैं तो जब हम केरोसिन और वाटर लेंगे तो यहाँ पे जो मेनिस्कस मिलेगा ये दिखाई दिया है आपको मेनिस्कस है ये कॉन्केव अपवर्ड है ठीक है तो ये जो भी है वो लिख दिया है हमने यहाँ पे साइड में कि वी हैव कंसिडर ए कैपिलरी ऑफ रेडियस आर ये जो कैपिलरी ट्यूब लिया है इसका रेडियस आर है इट इज़ अ डिप्ड इन साइड दिस लिक्विड विच पार्शली वेट द सॉलिड तो केरोसिन और टैप वाटर कैसा है दे पार्शियली वेट्स द कंटेनर दैट इज सॉलिड कंटेनर फिर ये रो कंसिडर किया है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एच इज़ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबोव द फ्री लिक्विड सरफेस जितना लिक्विड भरा था इस कंटेनर के अंदर तो कैपिलरी के अंदर कितने हाइट तक के लिक्विड भरा है वो एच है फिर बाद में थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एंड टी इज द दर्फेस टेंशन ऑफ लिक्विड नाउ दिस इज द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन साइड द कैपिलरी तो ये जो फ्री है ये कैसा है कॉन्केव है तो हम यहां पे क्या करेंगे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कंसिडर करेंगे सो सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ठीक है तो सपोज दिस इज द टेंजेंट तो ये हमने टेंजेंट ड्रा किया है यहाँ पे तो दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू तो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नाउ दिस पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इज इन साइड द लिक्विड और ये जो दिख रहा है ये कंटेनर रेड लाइन जो स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे रही है तो ये है कंटेनर ठीक है यानी सॉलिड सरफेस हो गया ये तो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के कॉन्टैक्ट में है उसके बीच जो एंगल रहता है वो रहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा वो भी दिखाई दे रहा है आपको अब लेंगे हम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ठीक है तो लेट यहां पे लिख रहे हैं तो लेट एफ टी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ठीक है लिख दिया यहां एफ टी इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फिर ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है इट एक्ट्स इट एक्ट्स अलॉन्ग द टेंजेंट इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस इन कॉन्टैक्ट बराबर तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है तो इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट तो ये जो लिक्विड सरफेस है उसको हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो अलोंग दिस टेंजेंट ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगता है तो मान के चलिए कि दिस इज द एफ टी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अब ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसका और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इसका रिलेशन है क्या रिलेशन था वो हम पढ़ चुके तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सिंस जो सरफेस टेंशन है इट इज गिवन बाय से एफ बाय एल फोर्स पर यूनिट लेंथ सो दिस इंप्लाइज यहाँ से अपने को एक एफ का फॉर्मूला मिलेगा एफ इक्वल टू टी इन टू एल यानी एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिला एफ इक्वल टू टी एल तो दिस एफ इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इन टू एल बराबर अब हम यहां पे क्या कंसिडर करते हैं यूनिट लेंथ का कंसेप्ट कंसिडर करेंगे यहां पे तो फॉर यूनिट लेंथ अगर हमने यूनिट लेंथ लिया तो यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा यूनिट लेंथ के लिए एल का वैल्यू अगर हम वन पकड़ते हैं तो दे आर फोर दे आर फोर दिस एफ टी इज इक्वल टू टी यानी क्या मिला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज नियरली इक्वल टू सरफेस टेंशन ठीक है तो यहाँ पे जो एफ टी लिया था इसको हम रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे लिखेंगे टी यानी सरफेस टेंशन बट इट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ठीक है तो इसके जगह पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टी तो ये टी आ गया बराबर अब ये टेंजेंट है तो ये टी है तो इस पॉइंट से आगे इधर भी ये टी दिखा सकते हैं हम तो ये भी टी हो गया ये तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो कैसे लग रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब यही इस पर अगर एक दूसरा टेंजन ड्रॉ करोगे तो यहां पे भी वैसे ही वो आएगा बट यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है अब हम क्या करेंगे इतना ही पोर्शन इतना ही पोर्शन यहां पे कॉपी करते हैं और फिर वहां पे वर्क करेंगे इसी डायग्राम को हम यहां पे ले चुके हैं तो दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन यूनिथ लेंथ तो उसके लिए हमने टी पकड़ा तो ये टी है तो यहाँ पर भी ये टी आएगा सो दिस इज द सर्फेस टेंशन नाउ एज दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा तो यहाँ पर ये भी एंगल ऑफ एंग कॉन्टैक्ट थीटा बनेगा ये भी थीठा आ गया अब हम क्या करने वाले हैं ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसको हम रिजॉल्व करेंगे इन टू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे और दूसरा कंपोनेंट आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ठीक है तो यहाँ पे इसको और बड़ा कर सकते हैं हम ठीक है ये आ गया ऐसे तो ये टी हो गया तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा आपको और थोड़ा ऊपर ऐसे तो ये कंप्लीट करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये ये थीटा है ये हाइपोटेनियस है जिसका नाम टी है तो ये हो गई एडजेसेंट साइड एडजेसेंट में आता है कॉस तो लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा और उसके पहले लगाएंगे हाइपोटेनियस यानी टी कॉस थीटा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिला आपने को टी कॉस थीटा सिमिलरली थीटा के सामने वाली साइड यानी क्या है अपोजिट साइड अपोजिट में आएगा साइन और उसके पहले हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा तो यही यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो ये हरीजेंटल जो कंपोनेंट है उसका नाम आएगा टी साइन थीटा ठीक है तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है उसको हमने रिजॉल्व किया इंटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दैट इज वन वर्टिकल कंपोनेंट टी टीकॉस थीटा एंड हॉरीजेंटल कंपोनेंट टी साइन थीटा अब इसके जैसे ही इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम एक टेंजन ड्रॉ करते हैं ठीक है ठीके? तो मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से एक टेंजन ड्रा करेंगे तो ये ऐसा आएगा ऐसे ठीक है तो ये आ गया ऐसे टेंजन ड्रा कर दिया तो ये भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी तो इस साइड भी ये टी आएगा फिर से इस टी को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये थीटा बाय डेफिनेशन तो यहाँ पे भी ये अपोजिट एंगल्स ये थीटा होगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसका नाम फिर से टी कॉस थीटा और एक दूसरा आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका नाम आएगा टी साइन थीटा तो अभी हमने क्या कर दिया ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसको रिजॉल्व कर लिया इनटू वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स अब यहां पे देखिए ये जो पूरा circumference है तो इस circumference पे यानी जो कॉन्केव मिनिस्कस है तो उसके ऊपर इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या लग रहा है टी साइन थीटा यहां पर भी लगा यहां पर भी तो ये पॉइंट होगा तो उधर उस साइड भी लगेगा यहाँ आप एक पॉइंट पकड़ेंगे तो इस साइड लगेगा यानी ऑल ओवर द सर्कम्फरेंस

इधर भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल सारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ने टी साइन थीटा ने एक दूसरे को क्या कर लिया बैलेंस कर लिया अब बचा कौन सा सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट टी थीटा तो टी थीटा तो जितना भी सरकम्फरेंस है उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और वो कौन सा होगा टी थीटा यानी इसके लिए भी हम डायग्राम अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं यानी ये जो मिनिस्कस है कॉनकेव के मिनिस्कस तो यहाँ पे ये कौन के जो मीनिस्कस है तो इस पॉइंट के ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है दैट इज टी कॉस थीटा तो इस पॉइंट के ऊपर भी ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी है टी कॉस थीटा तो ये जो पूरा सरकम है उसके हर पॉइंट के ऊपर जो लग रहा है फोर्स वो है टी कॉस थीटा यानी सब पॉइंट्स के ऊपर तो यहाँ पे भी इस साइड से भी है। ये जो कॉन्स्कस है तो कॉन्क्स के ऊपर पूरा जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया देखो एक पॉइंट अगर कंसिडर की हमने ये का एक पॉइंट करते तो एक पॉइंट के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन दैट इज टी कॉस्टिट है बट पूरा जो लेंथ है ये सरकमफरेंस है तो पूरे सरकमफरेंस पे कितना फोर्स लगेगा तो यहां पे लिख रहे देयरपोर अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मेनिस्कस इज इक्वल टू कितना लगेगा एक कंपोनेंट यानी टी theta into into ये पूरा लेंथ मेनिस्कस का दैट इज टू पाई आर तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे दैट इज टी थीटा इंटू टू पाई आर तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन सो ये जो कॉन्केव मिनिस्कस है इसके ऊपर ड्यू टू द सरफेस टेंशन जो पूरा फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितना लग रहा है टी कॉस्थिटा इन टू ये पूरा सरकम पर दैट इज टू पाई आर अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये क्या कर रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है तो ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर जितना पानी भरा हुआ है ये सरफ़ेस के ऊपर उसको बैलेंस कर रहा है अब पानी कितना भरा हुआ है? टू द हाइट एच यानी ये कैपिलरी के अंदर कितना हाइट तक के पानी भरा हुआ है अप टू हाइट एच तो ये जो टू द हाइट एच जितना पानी भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है उसका जो भी वेट होगा उसका जो भी वेट होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा है तो ये जो कॉन्क्स के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है तो ये ये कॉन्क्व मिनिस्कस के नीचे अप टू दिस हॉरिजेंटल लेवल लिक्विड जो भरा हुआ है यहां पे या वाटर है तो उसका वेट कितना है वो निकाल लेते हैं हम सो so यहां पे लिखते डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ठीक है तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम यानी उसका वेट कितना है मास इंटू ग्रेविटी दैट इज एम इंटू जी तो व्हाट इज दिस मास मास इज द एम यानी मास ऑफ लिक्विड इनसाइड साइड द कैपिलरी अबो दिस हॉरिजेंटल लेवल तो यहाँ पे लिखते हैं एम इज द मास ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ठीक है तो ये मास निकालना है अपने को तो कैपिलरी के अंदर इतना वाटर है ठीक है तो यहां पे ये सिलेंडर है यहां पे पानी भरा हुआ है ये पूरा यह लिक्विड कहां तक के अप टू हाइट एच अब इसकी डेंसिटी कितनी है रो है और रेडियस कितना पकड़ा है आर यहाँ से यहाँ तक के ये हो गया आर रेडियस सो so, डेंसिटी का फार्मूला आपने को पता है डेंसिटी इक्वल टू तो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम तो देयर फॉर फोर मास इक्वल टू तो हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सो so, देयर फॉर फोर मास इक्वल टू तो डेंसिटी अब वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर यानी इतने ही यहाँ से यहाँ तक के इतने ही सिलेंडर में तो पानी भरा हुआ है ना तो वॉल्यूम कितना आएगा उसका एरिया यानी पाया स्क्वेयर एच वॉल्यूम इंटू सॉरी एरिया इंटू हाइट दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर जिसके अंदर इतना पानी भरा हुआ ये सिलेंडर यहाँ से यहाँ पे पकड़ा हमने हाइट एच का तो मास की जगह पे ये पुट कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कित डेंसिटी इंटू पाया स्क्वेयर एच इंटू जी इज़ योर इक्वेशन नंबर टू तो ये जो कॉन्केव मिनिस्कस है यहाँ से नीचे ये फ्लैट सरफेस तक के जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट उसका वेट कितना है तो ये डेंसिटी इंटू पाई स्क्वेयर एच इंटू जे ठीक है अब ये कॉन्केव जो मिनिस्कस है इसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है तो दैट इज़ टी कॉस्थीटा इन टू आर अब ये क्या कर रहा है ये जो इतने हाइट तक के लिक्विड भरा हुआ है ये नीचे आता है क्या नहीं आता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपवर्ड फोर्स है इसने इस, इस डाउनवर्ड वेट को क्या कर लिया है बैलेंस कर लिया है सो देयर फॉर लिखेंगे हम एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम दिस अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड वेट और फोर्स ठीक है तो अपवर्ड फोर्स कितना है आपका टी टीक कॉस्थीटा इंटू टू पाया इज इक्वल टू डेंसिटी इन टू पाई आर स्क्वेर एच इंटू जी अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे पाई पाई गेट कैंसिल ये पाई पाई गेट कैंसिल होगा ठीक है ये आर गेट कैंसिल तो यहाँ पे एक आर बचेगा इधर में फिर रो डेंसिटी इट इज रहेगा एक आर बचा है एच और जी इधर क्या बचा टी कॉस थीटा इंटू टू ठीक है तो लिख देते यहाँ पे तो दिस इज टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो आर एच जी हमें एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना था राइज ऑफ लिक्विड यानी इस कैपिलरी के अंदर कितने हाइट तक के लिक्विड ऊपर आया है यानी एच के लिए इक्वेशन निकालना था तो एच इक्वल टू लिख देते एच इक्वल टू क्या आएगा देयर फॉर एच इक्वल टू ये राइट right साइड में शिफ्ट होगा टू टी को स्थितिटा अपॉन एच आ गया इधर में क्या बचा रो आर जी और इसको हम ऐसे लिख दीजिए रो आर जी सो एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिला आपको एच इक्वल टू टू टी कॉस्थीटा अपॉन रो आर जी सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इसके लिए एक्सप्रेशन मिला राइज ऑफ लिक्विड लेवल इन साइड दिस कैपिलरी ट्यूब अब यहाँ पे इससे बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है इसके इसी फॉर्मूले के ऊपर तो बिफोर डिस्कसिंग दिज ऑब्जेक्टिव हम ये एच हाइट निकालने का राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब निकालने का और एक दूसरा फार्मूला है दूसरा डेरिवेशन है वो भी देखेंगे हमने यहाँ पे एक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसिडर किया है पहले यहाँ पे देखते हैं तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है तो मान के चलिए दिस इज हैविंग रेडियस आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस लिक्विड मॉलिक्यूल तो इसके पहले के जो हमारे वीडियोज है उसमें देखा था हमने कि ये लिक्विड है यहाँ पे और आउटसाइड में यहाँ पे एयर है तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो प्रेशर है उसको हमने पी पकड़ा था और आउटसाइड जो प्रेशर है उसको पी पकड़ा था फिर हमारा कंक्लूजन क्या आया था कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर तो जो एक्सेस प्रेशर है उसका हमने फॉर्मूला निकाले थे और वो क्या था तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज क्या था तो यहां पे लिख रहे एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप दैट वॉज कितना था इट इज टू टी बाय आर है ना वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉप एंड टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड हो गया क्लियर सिमिलरली अगर हमारे पास एयर बबल है तो इस एयर बबल के अंदर भी एक्सेस प्रेशर कितना है अब ए एयर बबल कंसिडर किया है यहाँ पे वो पानी के अंदर है तो इस एयर बबल के अंदर यहाँ पे प्रेशर इनसाइड होगा पानी यानी आउटसाइड हो गया तो अंदर में प्रेशर बाहर के मुकाबले ज़्यादा है तभी जाके तो ये एयर का बबल फॉर्मेशन हुआ है मान के चलिए कि दिस इज द कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ दिस एयर बबल देन अगेन द दे एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस एयर बबल इज़ गिवन बाय दैट इज़ उसके लिए फार्मूला था और वो क्या था तो अगेन इट इज़ सेम दैट इज टू टी बाय आर यानी चाहे वो एयर बबल रहे या लिक्विड ड्रॉप उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है तो इट इज़ टू टी बाय आर ये निकाल चुके हैं हम अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसी पोर्शन को ये देखो यहाँ पे बाहर में पूरा लिक्विड है और ये एयर का पोर्शन है कंप्लीट एयर का पोर्शन है तो हम इसी का ही आधा पोर्शन लेंगे यानी एयर बबल का आधा और उसको जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर पकड़ेंगे कैपिलरी के अंदर तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं अभी यही ड्रॉप हमने यहाँ पे कंसीडर किया है और कैसे कंसीडर किया है कि कैपिलरी ट्यूब लिए उसको लिक्विड में डीप किए तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड क्या हुआ राइज हुआ अप टू हाइट एच जो मेनिस्कस मिला आपने को कौन सा है कॉन्केव मिनिस्कस है ठीक है अब ये कॉन्केव मिनिस्कस यानी यहाँ पे हमने जो एयर का बबल कंसीडर किया है, है, है तो उसका ही ये बाउंड्री समझिए आप ये कॉन्स्कस यानी एयर जो बबल है उसका ये बाउंड्री है ठीक है तो ये एयर और इधर में लिक्विड तो इन दोनों में क्या है प्रेशर डिफरेंस है और प्रेशर डिफरेंस कितना है तो इट इज़ टू टी बाय आर है तो यहाँ पे जो एयर बबल कंसीडर किया था उसका रेडियस आर है तो यहाँ पे जो कॉन्स्कस है ये पूरा यहाँ से जो कॉन्व मिनिस्कस मिला है तो उसका भी रेडियस हम क्या पकड़ लेते हैं? आर पकड़ लेते हैं आप सो दिस इज द कैपिटल आर दैट इज द रेडियस ऑफ दिस कॉनकेस्कस हो गया क्लियर पॉइंट यहाँ पे जो सेंटर है उसको ओ पकड़ लीजिए अभी फिलहाल के लिए ये जो कैपिलरी को डीप किए थे हमने कैपिलरी ट्यूब तो उसका जो रेडियस है उसको आप आर पकड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक के दिस इज द आर दैट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब हो गया क्लियर अब तो ये सरफेस ऑफ द लिक्विड पे अगर हमने एक पॉइंट पकड़ा इमेजनरी पॉइंट और ये मिनिस्कस जहाँ पे टच कर रहा है बाउंड्री को ये ये लाइन वाली यहाँ से ठीक है तो यहाँ पे एयर प्रेशर एक्ट हो रहा है और यहाँ पे एयर के साथ साथ लिक्विड प्रेशर तो ये दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है है ना प्रेशर डिफरेंस है ये एयर में और इस पॉइंट में तो इस पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है ये जो लिक्विड कॉलम है उसका वेट आ रहा है बराबर तो ये जो लिक्विड कॉलम है उसका वेट आ रहा है तो उसके वजह से यहाँ पर प्रेशर है ठीक है नहीं तो ये दो पॉइंट्स के बीच में एयर में और लिक्विड में जो प्रेशर का डिफरेंस है इट इज़ इक्वल टू द तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रेशर डिफरेंस is equal to pressure difference due to this height of liquid column तो यहाँ पे आएगा h rho g तो ये पहले pressure का जो concept है उसमें हमने ये formula देख चुके हैं ठीक है where rho is the density of this liquid जो भी liquid लिया है तो ये दो points के बीच में आप air का कोई भी point पकड़ लीजिए यहाँ पे capillary के अंदर और ये वाला जो point इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आया है एच रो जी जो आपने को पता है बट ये जो हमारी पहली थेरी क्या कहती है कि ये जो कॉन्केव पार्ट है इसमें प्रेशर इसके मुकाबले ये जो इधर कॉन्वेक्स पार्ट है इसके मुकाबले ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर इसके मुकाबले ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है तो इट इज़ टू टी बायर मतलब वो भी प्रेशर डिफरेंस हो गया तो ये दोनों इक्वल है तो देर फोर यहाँ से अपने को एक कंक्लूजन मिलेगा कि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू सेम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आप इक्वेशन दिस एच रोजी इज इक्वल टू टू टी बाय आर यानी ये थर्ड इक्वेशन अपने को मिल जाएगा ठीक है तो एच रोजी इक्वल टू क्या मिला आपको टू टी बाय आर अब हमें इस कैपिटल आर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहां पर तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रा कर देते ठीक है तो ये ऐसा टेंजेंट आ गया दिस इज द टेंजेंट टेंजेंट और सरफेस ऑफ सॉलिड इन साइड द लिक्विड इसके बीच में जो हुआ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है यहां पे थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर हम दिखा सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा ठीक है दिस विल बी द थीटा। अब ये थीटा हो गया ये यहां पे देखिए तो दिस इज राइट एंगल ट्रैंगल बराबर अब इसमें यहाँ पे हम इसको कॉस्थीटा अगर पकड़ते हैं क्योंकि हाइपोटेनस अपने पास है और एग्जिशन साइड है तो इसको कॉस्थीटा अगर पकड़ेंगे तो सिंस कॉस्थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्या होता है आर बाय आर होता है तो दे आर फोर दिस कैपिटल आर इक्वल टू ये कैपिटल आर इधर आ जाएगा तो ये आर बाय थीटा तो यहाँ पे थ्री में पुट कर देते वैल्यू सो दे आर फोर थ्री इंप्लाईज क्या मिलेगा आपको एच रो जी इज इक्वल टू टू टी अपन आर आर के जगह पे क्या मिलेगा आपको आर बाय थीटा दिस इज डिनिटर ऑफ डिनोमी तो नियोमीटर में चला जाएगा एच रो जी इज इक्वल टू टू टी कॉस्थीटा अपॉन आर ठीक है हमें किसके लिए चाहिए था एच के लिए एक्सप्रेशन चाहिए था तो एच इक्वल टू टू टी कॉस्थीटा अपॉन दिस ये आर एजिटीज लिख देता हूँ और ये रो जी आर रो जी तो ये फार्मूला मिला अपने को किसके लिए हाइट ऑफ लिक्विड इन साइड धिस कैपिलरी ट्यूब दैट इज राइज ऑफ लिक्विड इन साइड द कैपिलरी ट्यूब तो राइज ऑफ लिक्विड के लिए अपने को फिर से दूसरे तरीके से भी ये डिराइव कर सकते बाय द मेथड ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दैट इज इन साइड प्रेशर इज ग्रेटर दैन द आउटसाइड प्रेशर और कितने अमाउंट से था टू टी बाय आर फिर हमने ये दो पॉइंट्स के बीच में लिक्विड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आया वो पकड़ा दोनों को सेम है इक्वेट किया और फिर हमने ये स्मॉल आर कैपिटल आर को जो रेडियस ऑफ कॉनकेव सरफेस था उसको ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ कैपिलरी में कन्वर्ट कर दिया तो हमें जो फार्मूला मिला वो एच इक्वल टू टू टी कॉस्टिटा बाय आर रो जी जो कि पहले डेरिवेशन में फार्मूला मिला था एग्जैक्टली exactly उसके बराबर है अब हमें इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने हैं है ना वो भी फार्मूला सेम है ये भी फार्मूला है तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं इसके तो क्या होगा कॉस्थीटा की वैल्यूज़ बेसिकली तो कॉस्थीटा की वैल्यूज यानी कैसे कैसे आ सकती है कि थीटा अगर जीरो से हम आगे नाइन्टी तक के लेके जाएंगे तो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा इन दैट केस थीटा की सारी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो एच की भी सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको पॉजिटिव मिलेंगी पॉजिटिव मतलब देयर विल बी राइज ऑफ लिक्विड इन साइड द ट्यूब अगर थीटा ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मोर देन 90 होता है तो 90 टू 180 के बीच में जो क्वास्टिटा है वो निगेटिव चलता है सो so, यहाँ पर क्वास्टिटा की वैल्यू निगेटिव आएंगी तो यच निगेटिव मतलब निगेटिव का मतलब क्या होगा कि हाइट ऊपर नहीं जाएगा हाइट नीचे रहेगा मतलब साइड में लिक्विड लेवल इतना ही रहेगा बट कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है और नीचे चला जाएगा एंड देर विल बी डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी देर इज फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब फिर जो तीसरा पॉइंट है डिस्कस करना है हमें वो है कॉन्स्टेंट्स का तो टी यानी क्या है टी इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड तो अगर हमने एक पर्टिकुलर पेयर पकड़ा एक लिक्विड और ग्लास केरोसिन ग्लास वाटर ग्लास एक सॉलिड और लिक्विड का पर्टिकुलर पेयर पकड़ लेते एक पेयर कोई भी तो मान के चलिए केरोसिन ग्लास है तो एक पेयर है तो उसके लिए सरफेस टेंशन क्या है कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा तो टी कांस्टेंट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कांस्टेंट है डेंसिटी ऑफ दैट केरोसिन इज कांस्टेंट जी कांस्टेंट और ये टू तो कांस्टेंट है सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे तो सारे पैरामीटर अगर कांस्टेंट है तो h इक्वल टू दे आर फॉर एच इक्वल टू ये आएगा वन बाय आर इन टू कॉन्स्टेंट और h इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू दिस वन बाय आर तो दिस इज हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब यानी हाइट ऑफ दैट राइज ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब अब जितना रेडियस ऑफ कैपिलरी कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है जितना आप छोटा करते जाओगे नीचे मतलब छोटा छोटा करते जाओगे उतना ही हाइट यानी राइज ऑफ द लिक्विड लेवल इन साइड द कैपिलरी ट्यूब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा यानी कैपिलरी जितना छोटा छोटा होते जाएगा तो वैसे ही जो लिक्विड है उसके अंदर ऊपर तक के चलते जाएगा यानी राइज ऑफ़ द लिक्विड इन साइड द कैपिलरी ट्यूब आपको ज़्यादा मिलेगा अब यहाँ पे मून uh, का अगर कंसेप्ट आता है कि व्हाट विल बी द हाइट और राइज ऑफ लिक्विड लेवल ऑन द सरफेस ऑफ मून तो वहाँ पे जी को ही हम चेंज कर सकते हैं तो क्या होता है जी ऑन द अर्थ और जी ऑन द मून में रिलेशन क्या है तो जी ऑन द अर्थ इज सिक्स टाइम्स जी ऑन द मून एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे जितना है उसका छः टाइम्स अर्थ पे है बराबर वहाँ पे जो वेट है वो वेट मून uh, के सरफेस के ऊपर कम है तो फोर्स कम होगा डाउनवर्ड फोर्स कम होगा इसलिए राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी वो क्या होगा मोर होगा तो दिमाग में क्या रखना है कि मून के सरफेस के ऊपर जो कैपिलरी राइज है तो वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना राइज है उसके सिक्स टाइम्स रहेगा